तो गाइस आप लोग जैसे ऑन द स्क्रीन देख सकते हैं हमारी म्यूचुअल फंड की अर्निंग्स। तो अभी के देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगी। और गाइस देखिए आप लोगों को इस वीडियो में यहाँ पर मेरी म्यूचुअल फंड अर्निंग और इसके साथ ही साथ गाइस देखिए वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने गाइस देखिए अभी तक हमारी म्यूचुअल फंड जीरो टू हीरो ई बुक को परचेस नहीं किया तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसकी प्राइस गाइस देखिए सिर्फ 99 रुपीज़ है और गाइस जिसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें मिलती है, जिसमें गाइस देखिए म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट कैसे गेन करें, म्यूचुअल फंड को कैसे सेलेक्ट करें, ये सारी चीज़ें गाइस देखिए म्यूचुअल फंड के बारे में जो कुछ भी जानकारी है, इसके टाइप्स और जो कुछ भी म्यूचुअल फंड के बारे में वो सारी चीज़ें आप लोग को इस ई बुक के अंदर मिलेगी सिर्फ 99 रुपीज़ में। सो गाइस आप लोग टाइम वेस्ट ना करिए, गाइस देखिए लिमिटेड ऑफर, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए और इस ई बुक को जल्दी से जल्दी परचेज करिए और आप लोग उसका फायदा उठाइए। अभी दोस्तों ठीक है हम लोग अब चलते हैं हमारी वीडियो की ओर। और अभी गाइस देखिए यहाँ पर हम लोग अब बात करेंगे कि देखिए ग्रो ऐप में सबसे पहले मैं आप लोगों को मेरी म्यूचुअल फंड की अर्निंग्स बता देता हूँ, ठीक है गाइस। तो गाइस चलिए हम लोग चलते हैं और अब गाइस देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आते हैं हमारे डैशबोर्ड में। अब दोस्तों आप लोग देखेंगे यहाँ पर मैंने कही 3500 रुपीज़ गाइस देखिए इन्वेस्ट किए थे, ठीक गाइस देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा कम से कम कब का, जब यहाँ पे गाइस देखिए लॉकडाउन था उसके भी पहले का। आप लोगों को पता होगा गाइस देखिए लॉकडाउन के दौरान मार्केट क्रैश हुआ था, काफ़ी ज़्यादा भयंकर क्रैश हुआ था और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई थी। और दोस्तों देखिए यहाँ पर यदि मैं आप लोगों को पोर्टफोलियो बताऊँ और ये पिछले 6 महीने में बताऊँ तो गाइस आप लोग यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर मैंने देखिए सबसे पहले 16,000 रुपये डायरेक्ट मैंने इन्वेस्ट किए थे। तो आप लोग देखेंगे इससे मुझे गाइस देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए ये 16,000, उसके बाद गई देखिए मैंने 20,000 कुछ, इसके बाद दोस्तों देखिए 21,000 मैंने कम से कम इसमें गई देखिए 21,000-22,000-24,000-25,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे। उसके बाद गई देखिए ये क्या हुआ, ये पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आप लोग दोस्तों देखेंगे ये पैसा पूरा गिर चुका था। आप लोग दोस्तों देखिए फिर एकदम से मार्केट में ऐसा दिन आया कि गई देखिए वो था गई देखिए मार्च का महीना था शायद से, हाँ गई देखिए ये 18 मार्च के लगभग। आप लोग दोस्तों देखेंगे मार्च में जो पूरा पैसा था वो 25,000 से 17,000 रुपये आ गया, मतलब गई थी कि कम से कम 6,000 से 7,000 रुपये का लॉस सिर्फ हुआ था। उसके बाद गई थी कि धीरे धीरे मार्केट वापस आता गया, आप लोग देखेंगे उसके बाद गई थी कि यहाँ से हमने सारे पैसे को रिडीम कर लिया क्योंकि गई थी कि मुझे पता था कि अब मार्केट को कम से कम फिर से रिकवर होने में 6 महीना तो लगेगा ही। तो उसके बाद गई थी कि मैंने यहाँ से पैसा रिडीम कर लिया, आप लोग दोस्तों देख सकते हैं। तो ये पैसा रिडीम करने के बाद सिर्फ मैंने 8,000 इसमें बचने दिए। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मैंने इसमें फिर से गई देखिए यहाँ पर उतार चढ़ाव आते रहे, आप लोग देखेंगे ये कम होता रहा ज़्यादा होता रहा। इसके बाद गई देखिए मैंने और इनको रिडीम कर लिया तो फिर लास्ट में सिर्फ वही थी मैंने यहाँ पर 3435 रुपये सिर्फ मेरे इस म्यूचुअल फंड में बचने दिए, ठीक है ना गाइस। तो आप लोग गई देखेंगे जब ये 3500 बचे उसके बाद गई थी यहाँ पर मैं आप लोग को 1 महीने का दिखूँ तो आप लोग देखेंगे गई देखिए यहाँ पर फिर एकदम से क्या हुआ, मुझे गई देखिए यहाँ पर मैंने देखा कि कम से कम गई देखिए यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं, आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर गई देखिए 3,700 आप लोग देख सकते हैं, फिर 800 ये फिर से गई देखिए सब बढ़ता गया, फिर यहाँ पे गई देखिए मैंने एक बार फिर से जो पैसा था उसको रिडीम कर लिया था, ठीक है गाइस। तो उसके बाद गई आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से क्या हुआ था। उसको देखिए यहाँ पे पिछले 1 महीने का इसलिए बता रहा है कि मेरे पास यहाँ फिर सिर्फ गई देखिए 3500 तो इन्वेस्टमेंट थी, उसके बाद गई देखिए इतना मेरा प्रॉफिट है 3500 के बाद गई देखिए जो भी आ रहा है ना 796 तो ये समझ लीजिए 296 रुपीज़ गई थी कि ये फिर से वापस नीचे जाता था फिर ऊपर आ जाता था फिर वापस गई थी कि नीचे जाता था। उसके बाद इसने एकदम से गई थी कि चढ़ाव पकड़ा तो इसने कम से कम 500 रुपये का प्रॉफिट दे दिया सिर्फ 3500 रुपये नहीं। इसके साथ ही साथ दोस्तों देखिए फिर से इसने अभी यहाँ पर नीचे की ओर ये जा रहा है, इसके बाद दोस्तों देखिए एक बार और ऊपर जाएगा तो ये 600-700 रुपये का प्रॉफिट दे देगा। गई आप लोग सोचेंगे नहीं कि जितना लॉस गई देखे मैंने यहाँ पर म्यूचुअल फंड में उसमें निकाला है, जो कि देखिए मुझे लॉस मिला था यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान, यदि मैं इन 3500 रुपीज़ को सिर्फ कम से कम 3-4 साल के लिए रहने देता हूँ ना तो गाइस आप लोग सोच भी नहीं सकते कि जो मेरा लॉस था वो अपने आप बराबर हो जाएगा। आप लोग दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, गई देखिए 3 साल के लिए यहाँ पर आप लोगों को कहना चाहूँगा ये लॉक रहता है। मैं आप लोगों को बताऊँगी यदि ये पैसा रिडीम भी करके तो गई देखिए आप इसको आप लोग रिडीम नहीं कर सकते, हम लोग जो इसको फिर से 500 रुपीज़ करते हैं। आप लोग दोस्तों देखेंगे रिडीम नहीं होगा क्यों, क्योंकि ये 3 साल के लिए ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है आप लोग जिसमें पैसा लगाते हैं। तो दोस्तों ये श्योर मेरे साथ भी बस सेम हुआ है कि ये पैसा ब्लॉक हो चुका है और गई देखिए जो पैसा ये 3 साल में मैंने यहाँ पर आप लोगों को पता होगा जितना भी लॉस अभी लॉकडाउन में लिया है कम से कम 6,000 से 7,000 रुपये का इन म्यूचुअल फंड के अंदर, ये 3 साल में गई देखिए ये 3500 रुपये उस लॉस को वापस मुझे रिकवर करके दे देंगे। तो गई मुझे लगता है आप लोग जान गए होंगे म्यूचुअल फंड की पावर। और दोस्तों मैं आप लोग कहना चाहूँगा कि देखिए
आप लोग जितनी जल्दी हो सके हमारी इस ई बुक को परचेस करिएगा, क्योंकि कहीं देखिए मैंने यहाँ पर जो कुछ भी सीखा है, जितनी भी नॉलेज गेन करी है, ये सारी चीज़ें कहीं देखिए मैंने उस ई बुक के अंदर डाल दिया, ताकि आप लोग भी कहीं देखिए सिर्फ कम से कम पैसे में इस ई बुक को पढ़ के इसकी सारी जानकारी लेके यहाँ पर एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर बन पाएँ। और कहीं देखिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना आसान है, बस आप लोग कहीं देखिए थोड़ा बहुत टाइम के लिए सब कुछ सीखना होता है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर जैसे ही सब कुछ सीख जाते हैं, आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा आप लोग भी एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं म्यूचुअल फंड में, क्योंकि कहीं देखिए यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इतनी रिस्क नहीं रहती है। बट जहाँ तक बात करें हम लोग शेयर्स की, तो आप लोग मैंने यहाँ पर मेरा पोर्टफोलियो बताया गाइस, देखिए यहाँ पर म्यूचुअल फंड में यहाँ पर लॉस इसीलिए आया था क्योंकि आप लोग बताओगे पैंडेमिक था कोविड-19, तो इसमें हर किसी को लॉस आया था। आप लोग को पता होगा दोस्तों, हर किसी बंदे को लॉस मिला था यहाँ पर म्यूचुअल फंड हो या फिर शेयर्स हो, देखिए हर चीज़ का भाव गिर गया था और देखिए यहाँ पर महंगाई बढ़ती जा रही थी। इस प्रकार से कहीं हुआ था कि यहाँ पर सिंपली हर किसी को लॉस देखने को मिला और मुझे भी लॉस देखने को मिला। बट गाइस मैंने आप लोगों को पावर बताई कि सिर्फ 3500 रुपये जो मेरा लॉस है, गई इसको 2 से 3 साल में वापस मुझे 6 से 7 हज़ार रुपये मैंने इसमें जो लॉस किया था वो वापस मुझे रिकवर करके दे देंगे। तो गई देखिए ये म्यूचुअल फंड की पावर, आप लोगों ने मेरा म्यूचुअल फंड अर्निंग प्रूफ देख लिया होगा। तो गई आज के वीडियो में बस इतना ही।